खबर आपको पंचकुला से बता दें, जहां पर लाम बंद हुए प्रदेश भर के ठेकेदार। ठेकेदारों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। पंचकुला से बड़ी खबर, ठेकेदारों को नहीं मिल रही है काम की पेमेंट, जिसकी वजह से ठेकेदार अब विरोध पर उतर आए हैं। एचएसएएमबी बोर्ड मंडी भवन के बाहर ठेकेदारों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 300 करोड़ की पेमेंट विभाग में अटकी हुई है, जिसको लेकर अब ठेकेदारों का विरोध जारी। पिछली पेमेंट नहीं तो आगे काम नहीं, ये ठेकेदारों का कहना है। और अब उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों और तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स पर ठेकेदार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पेमेंट रोक दी गई है। पंचकुला में प्रदेश भर के ठेकेदार एक साथ लामबंद हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ठेकेदारों को उनके काम की पेमेंट नहीं मिल रही है, जिससे नाराज होकर काम बंद कर दिया गया है। एचएसएएमबी बोर्ड मंडी भवन के बाहर ठेकेदारों का धरना प्रदर्शन जारी। कुल 300 करोड़ की पेमेंट विभाग में अटकी हुई है, जिसको लेकर ठेकेदारों में आक्रोश, गुस्सा। पिछली पेमेंट नहीं हुई तो आगे काम भी नहीं करेंगे, ये बात ठेकेदार लगातार कह रहे हैं। मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों और मंत्रियों से इनकी मुलाकात भी हो चुकी है। हरियाणा के सभी जिलों के मार्केटिंग बोर्ड के तहत ये ठेकेदार काम करते हैं। बातचीत के बावजूद भी इनकी पेमेंट इनको नहीं दी गई, जिसकी वजह से अब ये विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं और इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, काम को रोककर ये सभी ठेकेदार अपनी पेमेंट की मांग कर रहे हैं, जो कि अटकी हुई है। एचएसएएमबी बोर्ड मंडी भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता उमंग जुड़ गई हैं। उमंग, अपनी मांगों को लेकर ठेकेदार अब धरने पर बैठ गए हैं, इसे लेकर क्या जानकारी? प्रदेश भर के ठेकेदार जो मंडी बोर्ड के तहत निर्माण कार्य करते हैं, वो आज पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित हरियाणा मंडी बोर्ड के आवास परिसर के बाहर धरने पर बैठे हैं। यह अनिश्चितकालीन धरना उन्होंने अपने बकाया पेमेंट को लेकर किया है। उनका कहना है कि करीब 300 करोड़ की पेमेंट इनकी विभाग की तरफ बकाया है, जो विभाग द्वारा नहीं की जा रही है जारी, के चलते इनका काम ठप पड़ा है और ना ही आगे का काम ले सकते हैं। आर्थिक तौर पर भी इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इनके एक सूत्री मांग है कि अगर इनकी पेमेंट की जाएगी तो ही आगे का काम किया जाएगा, वरना आगे कोई कार्य विभाग का नहीं किया जाएगा। बिल्कुल उमंग, छोटी मोटी पेमेंट नहीं, 300 करोड़ रुपए बकाया होना, इन सभी ठेकेदारों की पेमेंट इन्हें नहीं दी गई है, ऐसे में एक ये बड़ी लापरवाही मानी जाए। इतना पैसा रोक कर रखा गया है और लगातार बातचीत के बावजूद भी ये पेमेंट दी नहीं गई है, क्या कोई स्पष्ट कारण सामने आया पेमेंट ना होने का? देखिए, अभी इस मामले में अधिकारियों के से कोई बातचीत नहीं हो पाई है कि क्या कर रहा। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा विभाग को सख्त निर्देश पहले भी दिए गए हैं कि सभी की पेमेंट टाइम पे की जाए और इनका बजट जो है वो भी करीब 400 से 500 करोड़ का है। लेकिन क्या कारण है कि जो इनकी 300 करोड़ की जो पेमेंट नहीं की गई, इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। चलिए, शुक्रिया आपका उमंग तमाम जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल ठेकेदार सारा काम बंद करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठ चुके हैं और उनका सीधे तौर पर आरोप है कि उनकी पिछली पेमेंट जब तक नहीं दी जाएगी वो आगे काम पर नहीं लौटेंगे।